অগ্নিপথ প্রকল্পের প্রতিবাদে আজও কিন্তু বিক্ষোভ চলছে বিহার উত্তরপ্রদেশ সহ গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গা কিন্তু বিক্ষোভের জেরে উত্তাল পরিস্থিতি বিভিন্ন জায়গা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন করা হচ্ছে বিক্ষোভ প্রশমন করার জন্য এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশের ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি জানতে পারা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়াতে বিক্ষোভ থামাতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন দেখছেন সেই ছবিটা পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকদের টহলদারি চলছে রেল স্টেশনে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি গত পরশু থেকে একই ছবি বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনে বাসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে রেল স্টেশন ভাঙচুর করা হয়েছে এবং এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আটকাবার জন্য এবার তৎপর পুলিশ প্রশাসন পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকদের টহলদারি চলছে রেল স্টেশনে ইটাওয়ার রেল স্টেশন দেখছেন সেই ছবি পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকদের টহলদারি চলছে রেল স্টেশনে জিআরপি এবং আরপিএফ কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইটাওয়াতে পুলিশের টহলদারি সেই ছবি দেখছেন জিআরপি এবং আরপিএফ কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আজ অগ্নিগর্ভ অগ্নিপথ বিহারের বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনে গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভের জেরে 260 জন গ্রেফতার হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়ার ছবিটা এই মুহূর্তে দেখছেন ইটাওয়ার স্টেশনে কিন্তু জিআরপি এবং আরপিএফ কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে টহলদারি করছেন পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকরা উত্তরপ্রদেশে গ্রেফতার করা হয়েছে 207 জনকে আজ অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভ পরিস্থিতি যোগীরাজ্যে জৌনপুর প্রয়াগরাজ জাতীয় সড়কের উপরে প্রতিবাদ চলেছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বাসে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ইটাওয়ার ছবিটা আপনি এই মুহূর্তে দেখছেন ইটাওয়াতে বিক্ষোভ থামাতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন দেখিয়ে যে মহত্বপূর্ণ জায়গা যেসে রেলওয়ে স্টেশন বাস স্টেশন আর জিআইসি গ্রাউন্ড হ্যাঁ उसके अलावा जितने भी रेलवे स्टेशन हैं छोटे बड़े सभी जगह फोर्स की ड्यूटी लगी हुई है हम लोग भी हर जगह सक्रिय हैं मूवमेंट हम लोगों का बना हुआ है इसके अलावा जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं उनके साथ मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं सभी मूवमेंट बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है लोगों से अपील भी किया जा रहा है आज अभी पेंशनर्स की एक बैठक की गई है जिसमें मलट्टी के और पुलिस के पेंशनर्स थे उनसे इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इनसे भी मीटिंग किया जा रहा है बच्चों को समझाया जा रहा है और हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है कोई घटना नहीं होने पाएगी हमारे स्टेट में और देश में और जगहों से जो खबरें आई हैं उनको हम लोग भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ जनपद में भी जो हमारे तैयारी करने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं उन लोगों से आज मॉर्निंग में तमाम स्टेडियम्स में जाके पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर्स ने 1-to-1 बात की है अभी अब से आधा घंटा पहले ही हमने भूतपूर्व जो हमारे सैनिक हैं और जो हमारे पेंशनर्स हैं पुलिस विभाग के उनको भी बुलाकर उनसे वार्ता की गई है तकरीबन 8,700 के आसपास जनपद भर में पुलिस और तीनों सर्विसेज के जो हमारे पेंशनर्स और उनके आश्रित हैं वो जनपद भर में हैं और उनसे उनके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं जो फैक्ट्स हैं उनको अपने नवयुवकों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस स्कीम के विषय में भ्रामक जो बयानबाजी और तथ्य फैलाए जा रहे हैं जो झूठ फैलाया जा रहा है उनसे बच के रहें ऑफिशियल पोजीशन ऑफिशियल फ्लायर्स के रूप में जो हमें प्राप्त हुए हैं वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से नवयुवकों को उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं उसके अलावा ये भी उन्हें अवगत कराया गया है कि आने वाले 45 दिनों में ही अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्तियाँ भी शुरू हो जाएंगी और लगभग दिसंबर तक लगभग 40,000 कॉन्स्टेबल्स की भर्ती यूपी पुलिस में होने वाली है तो वो अपनी पूरी एनर्जी को तैयारी में लगाएं किसी भी प्रकार से किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त न हो या उसमें किसी प्रकार से एलिजियंस उनकी ना दिखाई दे जिससे मजबूरीवश हम लोगों को कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़े जिससे उनका एक पुलिस रिकॉर्ड बने और जो उनकी भविष्य की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे और अभी तक का जो हमारा प्रयास है उसके रिजल्ट्स ठीक दिखाई दिए हैं जिन भी बच्चों से हम लोग बात कर पाए हैं हमारे ऑफिसर्स बात कर पाए हैं वो इस पोजीशन को समझ गए हैं और उनसे हमें सहयोग की पूरी उम्मीद है अभी तक जनपद में सब कुछ सामान्य है और आगे भी सब कुछ सामान्य बना रहेगा ইটাওয়াতে পুলিশের টহলদারি জিআরপি এবং আরপিএফ কে সতর্ক থাকার পরামর্শ পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকরা টহলদারি চালিয়েছেন ইটাওয়া রেল স্টেশনে বিক্ষোভ থামাতে এই উদ্যোগ অগ্নিবীরদের বিক্ষোভ থামাতে তৎপর প্রশাসন